तो गाइज मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका नाम है टूर्ना फेस्ट। यहाँ पे डेली टूर्नामेंट एंड स्क्रीम्स चलती रहती है जिन्हें खेलकर आप हर दिन थाउजेंड्स ऑफ रुपीज अर्न कर सकते हो एंड आप उससे डायमंड्स और यूसी वगैरह भी खरीद सकते हो और आप अपनी इस ऐप पे ई स्पोर्ट्स प्रोफाइल भी बना सकते हो। टूर्ना फेस्ट पे कुछ ही दिनों में 1 लाख तक के टूर्नामेंट्स भी आने वाले हैं और हाँ इस ऐप पे गेमर्स की फीड है जहाँ आप अपने यूट्यूब वीडियो से लेकर मोन्टाजिस तक शेयर कर सकते हो वो भी 50,000 से ज्यादा लोगों के साथ। अभी टूना फेस्ट पे एक्यूलाइट ई स्पोर्ट्स एंड पैनिक ई स्पोर्ट्स के 50 and 20,000 के टूर्नामेंट्स लाइव हैं। इस ऐप पर एकदम वेरीफाइड टूर्नामेंट्स चलते रहते हैं। जैसे आप टूर्नामेंट या स्क्रीम्स जीतते हैं तो डायरेक्टली मनी वॉलेट में आ जाती है। तो गाइस देर किस बात की, अभी जल्दी जाके डाउनलोड करो टूना फेस्ट ऐप, आपको कमेंट में भी मिल जाएगी एंड डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी लिंक। तुम दोनों किसी काम के नहीं हो, तुमसे छोटे मोटे लोग भी नहीं संभलते तो क्या करोगे तुम? अरे बॉस सीन कुछ ऐसा था। अबे चुप, मेरे को मत समझा बिल्कुल भी। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर क्या गया था, तुम लोगों की वजह से पूरा प्लान फेल हो गया मेरा। एवलांच ये मेरी गलती है, ना मैं फाइट देखने के लिए बाहर आती और ना ये लोग मेरे पीछे से फरार हो पाते। तुम्हें बोला किसने तब बाहर आने के लिए? चुपचाप यहीं बैठी रहती? नहीं, हमें तो फाइट देखनी है। बॉस माफ कर दो, हो गई गलती, अब से ऐसा नहीं होगा। होना भी नहीं चाहिए, अगर किसी से भी जरा सी भी गलती हुई तलवार की कसम उसकी वहीं पेटी बना दूंगा। बहुत दिमाग खराब कर दिया तुम लोगों ने आज। तुम लोगों से मैं बाद में बात करूंगा, अभी मुझे कुछ काम आ गया है तो मुझे जाना पड़ेगा। अब ये अकेले अकेले कहाँ जा रहे हैं? क्या रहा होगा किसी से मिलने, फिलहाल हम अपने काम पर ध्यान देते हैं। तुम लोग मेरी बात सुनो, यहाँ से जितने भी लोग भागे हैं इन सब पर नजर रखो, लेकिन हाँ कुछ करना मत, सिर्फ नजर रखो, समझ गए? अब जाओ अपने काम पर लग जाओ। ठीक है विंटर क्वीन, जैसे तुमने कहा वैसे ही होगा। जोकर और बाकी सब लोग कहाँ हैं? क्या आप छुड़ा पाए उन सभी लोगों को? हाँ हमने उन सभी को छुड़ा लिया, पर एक साथ निकलना उस मैप से मुश्किल था तो इसलिए हम सब अलग अलग निकले। कार्लो और रॉकी हंटर के साथ हैं और जोकर फैरो के साथ है। अच्छा बेटा, मैं यहीं आसपास में जा रहा हूँ घूमने, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं तुरंत आ जाऊँगा। ठीक है, अभी तुम जाओ घर में। ठीक है। भाई जोकर, तूने बीच में आके गलती करी यार, उसको पूरा मार देना चाहिए था, इतने दिनों से सरदर्द बनी हुई है, वो तो कम होती। फेरो वो जो विंटर क्वीन है ना, एक टाइम पे एंजल की फ्रेंड हुआ करती थी, बहुत अच्छी। एंजल ने मुझे बताया था कि उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिससे वो पूरी बदल गई थी, लोगों को मारना पीटना चिड़चिड़ी रहना ये सब करने लगी थी। पर पता नहीं एंजल को क्यों अभी भी लगता है कि उसके अंदर एक अच्छा इंसान है, मुझे नहीं लगता पर उसको लगता है, इसीलिए मैंने तुम्हें मना किया था, वरना क्या मैं भी मार सकता हूँ उसे। अच्छा तो ये सीन है, चलो मैं फाइट नहीं करूँगा उसके साथ कभी भी, ठीक है? हाँ आप सही है। अच्छा आप सुन, बाहर चल रहा है घूमने के लिए, इस कमरे में बैठे बैठे बोर हो रहा हूँ मैं बहुत। हाँ तो ठीक है चल, साथ में ही चल रहा है। तुम सभी लोग ठीक तो हो ना? हाँ भाभी हम सब ठीक हैं। अरे हंटर भाई सुनो, इस कार्लो को मैं कमरे में ले जाता हूँ। हाँ ठीक है ले जा। जब तुम चले गए थे ना तो मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, मुझे लगा था कि तुम वापस नहीं आओगे। अरे पागल इतना मत डरा करो, ये सब पहली बार तो हो नहीं रहा, बहुत बार हो चुका है हमारे साथ, तो थोड़ा भरोसा रखा करो मेरे ऊपर। हाँ मुझे पूरा भरोसा है तुम पे। अरे फेरो ये कौन सी जगह पे लेके आया है? अरे लड़के अंदर तो आ जा तब पता चलेगा।
रॉकी अब कैसा कर लो? हाँ पहले से तो ठीक है ये। रॉकी तुमने इसे कुछ खिलाया पिलाया नहीं है? अभी थोड़ी देर पहले ड्रिंक वगैरह मेडिकेट वगैरह दी थी इसे। हंटर एक बात बताओ, वो लोग फिर से आ गए तो इधर, इस बार इधर जो भी आया कन्फर्म मरेगा मेरे हाथों से। ये विंटर क्वीन के चक्कर में मुझे फिर से आना पड़ गया एरेंगल। अब इन सभी के ऊपर फिर से नजर रखो। चलो देखता हूँ जाके स्क्वाड हाउस में कौन कौन है। अभी तो फिलहाल कोई दिख ही नहीं रहा इधर। घर में कोई है भी? हर जगह सन्नाटा फैला हुआ है। एक बार जाके चेक ही कर लेता हूँ। मुझे पहले ही पता था कि इस बार भी कोई ना कोई आएगा, इसीलिए मैं पहले से ही रेडी थी। तो वो तुम हो जो पहले कार्ड को उठाकर लेकर गया था, राइट? हाँ मैं ही ले गया था उसे उठा के। बताओ क्या कर लोगी? अभी पता चल जाएगा। अच्छा तो तुम्हें ये भी आता है? अब देखो कि मुझे क्या क्या आता है। अरे ये अचानक यहाँ कैसे आ गई? चलो अब तुम्हारी बारी आ गई है पिंजरे में जाने की। अच्छा तो यही है वो जो पिछली बार कार्लो को ले गया था उठा के? शक्ल से तो शरीफ लग रहा है देखने में। ये और शरीफ, ऊपर जो दरवाजा है ना वहाँ से आने की कोशिश कर रहा था ये, और तभी मैंने इसे पकड़ लिया। अच्छा फिर तो तू बैठे रहे बेटा पिंजरे में। मुझे माफ़ करना, जैसा आपने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे ये सब नहीं सुनना, मुझे उस पोसाइडन की पेटी चाहिए कैसे भी। मैं उसको मारने ही वाला था पर वो एंड टाइम पे भाग गया। अगर तुम स्टार्टिंग में ही तलवार का इस्तेमाल करते तो वो भाग नहीं पाता। इस तलवार को अपने पीछे दबा के घूमते रहते हो, सोचते हो कि पोसाइडन को अपने हाथों से ही मारूंगा मैं, पर ऐसा कुछ होता नहीं और पूरा प्लान चौपट हो जाता है। मुझे सिर्फ एक मौका और चाहिए, इस बार मैं पोसाइडन की पेटी जरूर बनाऊंगा। ठीक है तुम्हें एक मौका और दिया, पर इस बार कुछ गलती नहीं होनी चाहिए। आप भरोसा रखिए ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मुझे पहले से पता था कि कोई ना कोई आएगा जरूर। चल अब बता किसने भेजा है तुझे? इसे हमने भेजा है तुम लोगों पे नजर रखने के लिए। इन सभी को छुड़ाने में तेरा भी हाथ था ना, अब तेरी ऐसी पेटी बनाऊंगा ना किसी ने सोची नहीं होगी। हंटर ये जो कार्लो है इसको इतनी चोट लगी कैसे? अरे है एक पोसाइडन का फ्रेंड जिसका नाम एवा लंच है, उसी ने ये किया है। उसकी इससे क्या दुश्मनी थी? इससे नहीं पोसाइडन से दुश्मनी थी, कार्लो हमारी गैंग का है ना तो इसलिए उसे मारा। अरे ये बाहर शॉटगन क्यों चल रही है? लगता है रॉकी के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तुम एक काम करो यहीं पे रुको, मैं देख के आता हूँ बाहर। हाँ ठीक है। बॉस इसको मार क्यों नहीं देते? इसके फ्रेंड को आन दे, दोनों की साथ में पेटी बनाऊंगा। अबे यहाँ चल क्या रहा है? अबे तू फिर से वापस आ गया साले, इस बार तो तेरे को छोड़ूंगा नहीं। ओ रुक जा, मेरे ऊपर अटैक करेगा ना वहाँ पे तेरे दोस्त की पेटी बन जाएगी, तो तेरी भलाई इसी में, चुपचाप जाके वहाँ बैठ वरना दोनों को साथ में मार दूंगा। इस बार भी तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। कबाली डांस। अभी ये तो वहां पे बेहोश पड़ा हुआ था, एकदम होश में कैसे आ गया? तू अब भी लड़ना चाहता है क्या? देख ले हम तीन हैं और तू अकेला। अभी के लिए तो मैं जा रहा हूँ बेटा, पर वापस जरूर आऊंगा।
तुम लोगों की पेटी बनाने के लिए। एवलांच, तुम इतनी देर से कहाँ गायब थे? अरे कुछ नहीं, बस यहीं पास में गया था। वैसे मैंने उन दोनों को उन पर नजर रखने के लिए भेज दिया है। बहुत अच्छा किया तुमने। और मुझे ये भी पता लगा है कि वो सारे अलग अलग मैप्स में हैं। आहा, ये हुई ना बात। तो अब तुम्हारा प्लान क्या है? अब कोई प्लान नहीं है, अब सीधा पेटी बनाएंगे सबकी, खासकर उस पोसाइडन की। और उसको बचाने के लिए कोई भी आएगा वो पहले मरेगा। और हाँ, तुम एंजल को भी मार सकती हो इस बार, कोई रोक टोक नहीं। पर बॉस, उनकी टीम में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हम दोनों से भी ज्यादा पावरफुल हैं। उसका भी इलाज है मेरे पास। अब होगी असली फाइट। इतना टाइम हो गया, जोकर का अभी तक कोई कॉल भी नहीं आया। एक काम करती हूँ, मैं ही कॉल करके पूछ लेती हूँ। हेलो, हाँ एंजल बोलो। जोकर, इतना भी तुम कहाँ बिजी हो कि तुम मुझे एक कॉल भी नहीं कर सकते? अरे मैं बिजी नहीं था। हाँ हाँ, बस रहने दो, दिख रहा है मुझे, कोई फिकर ही नहीं। कैसी हूँ कैसी नहीं, कम से कम बंदा यही पूछ ले कॉल कर एक दफा। अरे मैं कॉल करने ही वाला था, तभी तुम्हारा कॉल आ गया एकदम से। वैसे तुम हो किधर? ये पीछे कुछ सॉन्ग टाइप का, ये गाने की आवाज कहाँ से आ रही है जोकर? फेरो लेके आया मुझे एक जगह पे, बस यहीं पे गाने चल रहे हैं। देखो मुझसे झूठ मत बोलना। अरे पागल, मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच में। हाँ फिर ठीक है। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, अभी थोड़ा काम आ गया मुझे। ओके ठीक है, बाय। अरे फेरो भाई, कितना पियोगे? देखो तुम्हारा लेवल भी कम हो गया। अबे तू जानता नहीं है मेरे को, अभी 10-12 बोतल और खाली कर सकता हूँ मैं, ये तो कुछ भी नहीं है। अच्छा ठीक है, टाइम बहुत हो गया है, हम घर चलते हैं। जोकर तू मेरा दोस्त है, अगर तेरे को कोई परेशान करे ना मेरे को बता दियो भाई, काट डालूंगा उसको मैं। और हाँ, वो क्या नाम है उसका, एवलांच, उस साले की भी पेटी बनाऊंगा, सबका दिमाग खराब कर रखा है उसने, उसकी कली पेटी बनाऊंगा। साले का एड्रेस दे मुझे। अरे फेरो आराम से सो जा यार, कल एड्रेस दे दूंगा, कल मार दियो जाके, ठीक है? हाँ कल बता दियो मुझे। एंजल सुनो, एक प्रॉब्लम हो गई है इधर। अरे क्या हो गया, आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? घबराया नहीं, बस बता रहा हूँ, वो तीनों यहाँ पे आ गए, विंटर क्वीन, एवलांच और वो बुल साथ में। मुझे लगा था कि ये लोग प्लानिंग करेंगे, पर इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये तो अचानक ही आ गए। तुम एक काम करो, जल्दी से यहाँ से निकलो, मैं लोगों को संभाल लूंगा। अरे मैं भी रुकती हूँ ना, आप इनको अकेले संभाल नहीं पाओगे। अरे तुम मेरी टेंशन मत लो, अब जल्दी जाओ। हाँ ठीक है। अभी तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, एकदम खाली पड़ा है। वो लोग यहीं पे हैं, मैं महसूस कर सकता हूँ, पर वो एंजल पीछे वाली साइड से भाग चुकी है। तुम लोग जाओ, उसको पकड़ो और खत्म कर दो। ठीक है बुल, चलो मेरे साथ। मैंने सोचा था कि तू प्लानिंग करेगा इस बार भी, पर नहीं, तू तो अचानक ही आ गया इधर। उस टाइम तेरी पेटी नहीं बना पाया था ना, इसीलिए अचानक यहाँ पे आ गया। पर अब वो काम पूरा करूंगा इस तलवार के साथ। ओ भाई, अब जाके कहीं फ्री हुआ मैं, अब एंजल को कॉल मिलाता हूँ। हेलो जोकर, यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई है। जोकर, एवलांच, विंटर क्वीन और वो जो सांड सा था ना, वो तीनों एक साथ यहाँ पे आ गए हैं हमें मारने के लिए। पोसाइडन किधर है इस समय? वो
पोसाइडन जो है वो तो एवलांच को संभाल रहा है, लेकिन ये दोनों मेरे पीछे पड़े हुए हैं। अच्छा तुम मेरी बात सुनो, तुम कैसे भी करके रुइंस पहुंच जाओ, तुम वहाँ पे सेफ रहोगी और मैं भी कोशिश करता हूँ जल्द से जल्द आने की। हाँ मैं समझ गई। Lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded ice. Angel भाग के यहीं कहीं आई है, हमें उसे ढूंढना पड़ेगा। पहले इधर से चेक करते हैं, आओ सभी के सभी। अरे ये तो यही मिल गई। चलो ठीक है, अब तुम्हारी पेटी बनाने में ज्यादा आसानी होगी। बहुत हो गया, मैं तुमसे डरकर भागने वाली नहीं हूँ, अब मैं तुमसे फाइट करके ही जाऊंगी, जो होगा देखा जाएगा। अरे ये यहाँ कैसे टपक गया? पूरी टीम के साथ चल रही हो अकेली लड़की को मारने के लिए, अब मार के दिखाओ जरा। अब जब तू आ ही गया है तो तेरी भी इसके साथ पेटी बना के ही जाऊंगी। वो तो अभी पता चल ही जाएगा कि किसकी पेटी बनेगी। तू तो डरपोक निकला, भाग के यहाँ पे आ गया। बेटा जगह कम थी उधर, आप फाइट लेना ओपन में। अरे ये क्या, ये पुल तो पावर्स पाने के बाद भी पिट गया। लगता है कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इस पुल के चक्कर में मुझे निकलना पड़ रहा है, वरना इस जोकर की पेटी भी मैं बना कर जाती। ये फिर से भाग गई, इसको छोड़ूंगा नहीं सच में मैं। तो कैसा लग रहा है एंजल इस पिंजरे में आके? विंटर क्वीन तुमने इसे कैद क्यों किया है? इसको अभी के अभी मार देते हैं ना। बस थोड़ा सा इंतजार कर लो, एवलांच को आ जाने दो, उसके बाद ही उसके सामने इसकी पेटी बनाऊंगी, बहुत मजा आएगा। थोड़ी देर और जिंदा रह ले, उसके बाद डायरेक्ट तेरी पेटी बनेगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सैनोक में एक प्रॉब्लम आ गई थी, वहाँ पे तीन लोग थे ना, उन्होंने साथ में अटैक कर दिया था मेरे ऊपर, इसलिए मुझे भागना पड़ा वहाँ से। मैंने स्पाइडरमैन को भी तो भेजा था, वो कहाँ है? उसके बारे में नहीं पता मुझे, वो शायद से लास्ट टाइम मिरेंगल ही गया था। एक काम करो, जाके एवेंगल में भी चेक करो, देखो कि वो कहाँ है। ठीक है, मैं एरेंगल जाके चेक करता हूँ। ओए फेरो उठ जाओ जल्दी। ओए उठ। अबे क्या हो गया, क्यों परेशान कर रहा है, सर में दर्द हो रहा है मेरे। अबे यार एक प्रॉब्लम आ गई फिर से। अबे अब क्या हो गया? वो जो विंटर क्वीन है ना, वो फिर से ले गई एंजल को, और एवलांच और पोसाइडन की फाइट हो रही थी रैंगल में, फिर उसके बाद से पता नहीं कहां गई है लोग। मैंने तेरे को पहले ही कहा था उस विंटर क्वीन को मार देते हैं, पर तू ही नहीं मान रहा था। ले हो गया ना काम, अब बता आगे क्या करना है। अब मैं सोच रहा हूँ सीधा वैकेंडी चलते हैं, इनका बार बार का बहुत हो गया,
इस बार इनका फाइनल कर ही देते हैं, या तो हम मरेंगे या तो वो मरेंगे। अच्छा ठीक है, हंटर और रॉकी वगैरह को तो बुला ले फिर। ना भाई उनको मत बुला, वहाँ पे खतरा बहुत रहेगा और मैं नहीं चाहता उनमें से किसी की भी पेटी बने हमारी वजह से। तू थोड़ा पावरफुल है इसलिए तुझे ले जा रहा हूँ, वरना मैं अकेला ही जाता। तो फिर देर क्यों कर रहा है, जल्दी चल, मेरे हाथों में खुजली हो रही है उनकी पेटी बनाने की। ठीक है चल फिर। स्पाइडरमैन यहीं पे तो आया था, पर आखिर गया किधर? अरे है कोई, मुझे बाहर निकालो यहाँ से। अरे ये आवाज तो स्पाइडरमैन की है। अरे कोई निकालो मुझे यहाँ से। अच्छा तो इस घर से आ रही है इसकी आवाज। अच्छा हुआ मेरे भाई तू यहाँ पहुँच गया, मैं बहुत दिन से बंद हूँ इधर, जल्दी निकाल मुझे। अच्छा अच्छा ठीक है निकाल रहा हूँ, एक सेकंड दे। अच्छा हुआ भाई तू इधर आ गया, वरना तो मैं मर ही जाता इधर बैठे बैठे। चल अब निकलते हैं यहाँ से। अभी ये लोग यहाँ क्या करने आए हैं? पता नहीं, ये तो सैनोक में थे ना। अब ये लोग आ ही गए तो इनकी पेटी क्यों ना बना दी जाए। हाँ सही कहा तूने, हंटर यहाँ पे हमारे साथ आ गया, वहाँ पे भाभी का ख्याल कौन रखेगा? तू टेंशन मत ले, मैं उसको एक सेफ जगह पे छोड़ के आया हूँ। हाँ फिर ठीक है। अच्छा हुआ तुम तीनों ये रैंगल में आ गए, अब यहीं पे हम दोनों तुम्हारी पेटी बनाएंगे। अभी ये लोग फिर से आ गए, लगता है भाई इनको अपनी पेटी बनवाने की जल्दी है। सैनोक में मैं अकेला था इसलिए तुम लोग भारी पड़ गए थे, अब फाइट करके दिखाओ, अब हम दो हैं। अच्छा ऐसी बात, तो हम भी बराबरी की फाइट करेंगे, कार्लो और मैं। रॉकी तू साइड में हो जा एक मिनट के लिए। ठीक है। हाँ अब भी मजा आएगा ना। चलो अच्छा हुआ अब से इनकी शक्ल देखने को नहीं मिलेगी। रॉकी हम इतनी देर से यहाँ पे हैं, ना पोसाइडन दिख रहा है ना जोकर, आखिर है किधर ये लोग? मैं भी वही सोच रहा हूँ, इतनी देर हो गई हमें, यहाँ पे हर टाइम कोई ना कोई तो रहता ही है, पर आज कोई दिख नहीं रहा, पता नहीं कहाँ गए ये लोग। आखिर ये जगह है कौन सी? बहुत ही अजीब सा लग रहा है इधर। ये जगह हमारे बॉस ब्लैक ईवल की है। तुम कब से किसी के लिए काम करने लग गए? बहुत पहले से करता आ रहा हूं, मान लो जब से ये तलवार मिली है तब से। आखिर तुमने अपना काम पूरा किया है वलांच, बहुत अच्छे। अब तुम यहाँ से जा सकते हो, इसको मैं देख लूंगा। ठीक है बॉस। हाँ वे तुम दोनों, आखिर पोसाइडन और एंजल है किधर, बताओ जल्दी। तुम दोनों की इतनी हिम्मत, यहाँ फिर से पहुँच गए। लगता है तुम लोगों को अपनी पेटी बनाने का बहुत शौक है। चलो आज तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दूंगी। वो तो वक्त ही बताएगा।
डॉक्टर को इन एंजल को जाने दो। तुम अंदर से इतनी बुरी नहीं हो कि उसकी पेटी बनाओ। तुम लोग अभी तक मुझे जाने नहीं हो, असल में मैं बहुत ही ज्यादा बुरी हूँ। मैं कोशिश कर रहा था कि तुम मेरी बातों से समझ जाओ, पर ऐसा होता दिख नहीं रहा है, तो अब मुझे वो अटैक करना ही पड़ेगा। आखिर तुम मेरे से चाहते क्या हो? मुझे यहाँ पे क्यों लाया गया है? एवलांच को मैंने बोला था कि एक ऐसा बंदा ढूंढे जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, जिसकी बॉडी में मैं फिर से जिंदा हो सकूं। आखिर मतलब क्या है तुम्हारा? अभी समझ जाओगे तुम। अरे ये क्या, बुल की पेटी किसने बना दी? मैं तो बस थोड़ी देर के लिए बाहर गया था और यहाँ पे ये सब हो गया। विंटर क्वीन से पूछता हूँ ये सब कैसा हुआ। अरे यहाँ पे भी कोई नहीं है, आखिर गई किधर ये? और एवलांच, तेरी वजह से क्या बॉडी मिली है? इसमें तो ऐसा लग रहा है कि कोई भी सामने आ जाए फाड़ के रख दूंगा। अरे बॉस, ये आप ही हो? हाँ ये मैं ही हूँ। वैसे तू इतना टेंशन में क्यों लग रहा है? बॉस, बाहर किसी ने बुल की पेटी बना दी और यहाँ विंटर क्वीन भी गायब है। आखिर इतनी हिम्मत हुई किसकी जो हमारे लोगों की पेटी बना रहे? मुझे तो ये पोसाइडन के ही लोग लग रहे हैं, क्योंकि वो पहले भी यहाँ पे आ चुके हैं। अच्छा, तो फिर तुम एक काम करो, उन सबकी जाके पेटियाँ बना दो, कोई भी बचना नहीं चाहिए। क्या सबकी? पर वो तो बहुत सारे हैं, मैं अकेले कैसे मारूं उन सबको एक साथ? उसका भी इलाज है मेरे पास। ये दोनों तुम्हारी इस काम में हेल्प करेंगे, ये काफी चलाक और पावरफुल भी है। तुम इनको जैसा भी काम बोलोगे ये वो करेंगे। अब जाओ इनको साथ में ले जाओ। ठीक है बॉस, जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। अरे भाई, यहाँ तो कोई दिख भी नहीं रहा है, फैरो को तो आता पता ही नहीं इधर, फालतू में आ गए ढूंढते ढूंढते। रॉकी भाई, सीधा कॉल करके पूछ क्यों नहीं लेते? अबे कॉल इतनी देर से मिला रहा हूँ, इन सभी का फोन स्विच ऑफ है, पता नहीं ये लोग कहाँ पे मौज मार रहे हैं, इनके चक्कर में हम परेशान हो रहे हैं। सुन, एक काम करते हैं, फेरो के घर पे चलते हैं लास्ट, वहाँ पे मिल गया तो ठीक है, वरना वापस चले जाएंगे। हाँ ठीक है, चलो। अब इसको कोई होश में भी लाएगा कि ऐसी पड़ी रहेगी? अरे फैरो, कहीं होश में आते ही लड़ाई करना चालू ना कर दे। अगर ऐसा करेगी तो फिर से सुला देंगे इसे। एंजल, इसको होश में लाओ जरा। क्वीन, क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? तुम ठीक तो हो ना? ज्यादा ही तगड़ा अटैक कर दिया था क्या जो होश में नहीं आ रही? अरे ये कौन सी जगह है? एंजल, तुम ये कहाँ पे ले आई मुझे? फिकर नहीं करो, तुम बिल्कुल सेफ जगह पर हो। विंटर क्वीन, तुमको कुछ याद है कि तुम्हारे साथ पहले क्या हुआ था? जो ब्लैक वर्ल्ड से मॉन्स्टर्स आते थे जिनको हम मारा करते थे, एक्चुअली मुझे उनके लीडर का पता लग गया था। एक बंदे ने बताया था मुझे कि कोई जगह थी जहाँ पे एक ब्लैक सा आदमी था और वो वहाँ से मॉन्स्टर्स को आज़ाद करता था। तो मैंने उस बंदे से उस जगह का एड्रेस लिया और मैं वहाँ उसको मारने पहुँच गई। मैंने उस पे जैसे ही अटैक किया था वो वहाँ से गायब हो गया था। फिर उसके बाद से मुझे कुछ याद नहीं है। एंजल, वैसे कुछ किया क्या मैंने? कुछ गलत? बहुत कुछ किया मैडम तुमने, हम सभी के नाक में दम करके रख दिया। और वो एवलांच, उसी के लिए तो काम कर रही थी इतने दिन से, अभी कुछ याद आया?
फेरो जाने दो, ये अपने होश में नहीं थी। अच्छा सुनो, विंटर क्वीन से मुझे बहुत जरूरी बात करनी है, तुम बाद में आना। हाँ ठीक है, मैं समझ गया, चल फेरो नीचे चल रहे। अरे जोकर कहीं ये ड्रामा तो नहीं कर रही, हमें पता चले बाद में हमें ही मार दे। ना ऐसा कुछ नहीं है फेरो, अब ये पहले जैसी हो गई है। अरे ये क्या, अरे तुम यहाँ, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी चोट आई है। अरे तुम यहाँ पे आई कैसे, मैं तो तुम्हें सेफ जगह पे छोड़ के गया था ना। एक मेरा यहाँ पे कुछ सामान रह गया था, बस मैं वही लेने आई थी कि किसी ने हमारे ऊपर अचानक से अटैक कर दिया, उसने बस मुझे छोड़ दिया और बाकी सबको मार डाला। आखिर वो था कौन? नहीं जानती, उसको तो मैं देख लूंगा, पर अभी तुम्हारी हालत सही नहीं है, तुम चलो मेरे साथ। चलो अब तुम आराम करो, मैं बस आया थोड़ी देर में। अरे ओ तुम दोनों सुनो मेरी बात। अरे रॉकी भाई तुम यहाँ कैसे आना हुआ आज? अरे वो मैं फेरो और बाकी सभी को ढूंढ रहा हूँ, वो सब लोग यहाँ पे आए हैं? ना यहाँ पे तो कोई नहीं अभी तक, फेरो भाई जोकर के साथ गए थे तब से अभी तक आए नहीं। अच्छा भाई, कहीं ये लोग वैकेंडी तो नहीं चले गए? हाँ मुझे भी अब ऐसा लग ही रहा है, चलो अब निकलते हैं यहाँ से। ये कैसी आवाज थी? अरे ये क्या, इनकी अचानक से पेटी कैसे बन गई? लगता है ये काम इसी का है, रुक अभी बताता हूँ तुझे। अरे इसे तो गोलियों का कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अरे रॉकी भाई ये कहाँ चले गए अचानक, अभी तो यहीं पे थे। ए तेरा जो भी नाम है, ये कहाँ गए जल्दी बता। तुम लोगों ने गलत एम कर रखा है मेरे पे, बहुत पछताने वाले हो इसके लिए। हंटर भाई के बारे में कैसे पूछ रहा है, आखिर है कौन तू? मैं वो हूँ जो तुम्हारी पेटी बनाने वाला है। तो तू है वो जिसने मेरे घर पे अटैक किया था? ओ अच्छा, तो तू है हंटर। चलो इतनी टाइम के बाद मिल ही गया, अब तेरी आराम से पेटी बना सकता हूँ। बेटा तूने मेरी वाइफ पे हाथ उठा के गलती करी, इसके लिए तू बहुत पछताने वाला है। अबे शुक्र मना मैंने उसे जान से नहीं मारा, वरना अब लग तो तू रो रहा होता वहीं पे। फिक्र मत कर, अब तेरा नंबर है रोने का। जोकर एक काम कर, एंजल को जाके बोल दे कि इसके ऊपर नजर रखे, ये कुछ भी कर सकती है, इस पे भरोसा मत कर इतनी जल्दी। फेरो तू इतना खिलस्ता क्यों है विंटर क्वीन से? खिलस्ता नहीं हूँ, बस बता रहा हूँ ये बहुत चलाक है, कुछ भी कर सकती है कभी भी। अरे भाई हमें पता है ये चलाक है, पर अभी ये ठीक हो चुकी है, अभी ऐसा कुछ नहीं करेगी, तेको समझ नहीं आ रही इतनी बात। मैं तो बस बता रहा था। अरे ये किसने मारा? अबे ये यहाँ क्या कर रहा है? अरे ये तो यहाँ भी पहुँच गया। ओ तो तुम सब एक ही जगह पे हो, और ये क्या, विंटर क्वीन तुमने अपनी टीम बदल दी? एक सेकंड, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। कोई बात नहीं, इनके साथ साथ अब तुम्हारी भी बेटी बनेगी। तुम दोनों मेरी बात सुनो, ऐसे अटैक्स करने का कोई फायदा नहीं है, हम तीनों को साथ में अटैक करना पड़ेगा, तब जाकर शायद कुछ हो पाए। ठीक है तो साथ में मिलकर अटैक करते हैं।
the shit hot. अच्छा प्लान था तुम्हारा विंटर क्वीन, वरना ये तो हारते ही नहीं। अब इसका करना क्या है? मुझे भी नहीं पता। अरे अरे, ये कौन सी जगह है और ये मुझे कहाँ पे बंद कर रखा है? ओ, आखिर ये होश में आ ही गया। तुम लोग कौन हो और तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बंद करके रखा है? अबे तुझे इसलिए बंद करके रखा है ताकि तू फाइट ना करे हमारे साथ। अबे मैं तुम लोगों से क्यों फाइट करूंगा? मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं। अबे थोड़ी देर पहले तो हमें मारने पे तुला था, अब जानता तक नहीं है। मैंने कब फाइट करी? मुझे तो कुछ भी याद नहीं इस बारे में। अरे जोकर, एक मिनट आइयो यार, तेरे से कुछ बात करनी जरूरी। अरे भाई ये चल क्या रहा है? पहले ये विंटर क्वीन सब भूल गई, अब ये सब भूल गया। ये दोनों मिलके कोई प्लान तो नहीं बना रहे हमें मारने का? अरे नहीं, ऐसा नहीं है। पोसाइडन ने मुझसे कहा था कि वो तलवार जिसके भी हाथ में रहती है ना, वो अपने कंट्रोल से बाहर चला जाता है, तभी इसे कुछ मालूम नहीं है। तो मतलब अब इसे छोड़ देगा? अभी कहाँ, अभी तो पोसाइडन के बारे में पूछना है, क्योंकि लास्ट टाइम इनकी ही फाइट हो रही थी जब से पोसाइडन गायब है। हाँ ये सही कहा तूने, चला फिर पूछते हैं इससे। क्या पोसाइडन? मैं तो उससे बात भी नहीं करता, तो मुझे कहाँ से पता होगा कि वो कहाँ है? लास्ट टाइम तुम्हारी उनके साथ फाइट चल रही थी, तो थोड़ा कोशिश करो कि आखिर तुम उनको ले कहाँ गए थे। मुझे नहीं पता कुछ, मुझे जल्दी से यहाँ से बाहर निकालो। तुम्हें ये बताना पड़ेगा तभी हम तुम्हें बाहर निकालेंगे। क्या मुसीबत है ये? ठीक है, मैं उस दिन के बारे में सोचता हूँ कि आखिर हुआ क्या था। थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, जब पोसाइडन के साथ मेरी फाइट खत्म हुई थी तो मैं उसे कहीं पे ले गया था। कहाँ पे गया था ये नहीं पता, पर हाँ वो जगह बहुत ही डरावनी और खतरनाक सी थी, जहाँ पे एक ब्लैक सा आदमी था और उसने शायद पोसाइडन के साथ कुछ तो किया है, इतना याद है मुझे बस। इसकी और विंटर क्वीन की बातें सेम सी क्यों लग रही हैं? इन दोनों के में ही एक ब्लैक सा आदमी था। जोकर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों एक ही हो? हाँ ऐसा हो सकता है, फिर तो ये हो गया कि हम इतने दिनों से इनको विलन समझ रहे हैं, पर असली में कोई और है। अब जल्दी से मुझे यहाँ से बाहर निकालो। हाँ ठीक है, निकाल रहे हम। वैसे तुम लोग पोसाइडन के बारे में क्यों पूछ रहे थे? आखिर तुम लोग लगते क्या उसके? वो मेरे फादर हैं, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ उनके बारे में। क्या, पोसाइडन का बेटा? मुझे तो पता ही नहीं था इस बारे में कि उसका एक लड़का भी है। अब तो पता चल गया ना तुम्हें। चलो अब ये भी बता दो कि पोसाइडन को कैसे बचाया जाए। उसको बचाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो जो ईवल स्पिरिट है शायद से पोसाइडन के अंदर आ चुकी है, अब उसे निकालना मुश्किल है। और हाँ, अगर तुम सोच रहे हो वहाँ पे जाके उसे बचाने की, तो तुम सब लोग मरोगे। शायद इसे पता है कि पोसाइडन को कैसे बचाना है, इससे हमें कैसे भी करके पूछना पड़ेगा। जुकर एक काम करते हैं, विंटर क्वीन को भेजते हैं उसे पूछने के लिए, क्या पता इसकी बात मान जाए। अरे मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी। विंटर क्वीन मैं भी तुम्हारे साथ में चलूंगा, अब तो मान जाओ। विंटर क्वीन तुम ही एक दफा कोशिश करके देख लो, क्या पता तुम्हारी बात मान जाए। ठीक है, तुम बोलती हो तो कोशिश करती हूँ। अरे इतनी ठंड क्यों लग रही है? अरे मैं तो मीरामार में था, यहाँ कैसे आ गया? अरे अब ये लोग कौन है? आखिर ये थे कौन? फालतू में अटैक करे जा रहे थे मेरे पे। अरे हाँ, हमारी तो मीरामार में फाइट चल रही थी, उस लड़की ने कुछ करा तभी मैं यहाँ पे पहुंच गया। अब यहाँ से निकलने का रास्ता देखना पड़ेगा मुझे। तुम लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? अब क्या चाहिए तुम्हें? मैं तो आपको देखने आया था, कहीं खो ना जाओ जंगल में, क्योंकि आपको बहुत टाइम हो गया ना आए हुए। नहीं मुझे पता है यहाँ का रास्ता, कैसे जाना है। अच्छा ठीक है, साथ में चलते हैं, थोड़ी बहुत बातें भी हो जाएंगी हमारी। पहले तुम्हारे बाप ने दिमाग खराब करके रखा था, अब तुम कर रहे हो। जाओ अपना काम करो, मैं चले जाऊँ यहाँ से। तुम पोसाइडन से नफरत करते हो समझ आता है,
पर इसने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो तुम उसको ऐसा बोल रहे हो। ये तो बस तुम्हारे साथ थोड़ा सा घूमना चाहता है। थोड़ा बहुत साथ में घूमते हैं, फिर उसके बाद आप जा सकते हो। ऐसी बात है तो फिर ठीक है, चलो। ये सही मौका है इसको हराने का। फिर से वापस आ गया मैं तो। अरे रॉकी भाई कहाँ पे गायब हो गए थे? मुझे तो लगा इसने मार दिया तुम्हें। अरे इसने मुझे वीकेंडी भेज दिया था, वहाँ पे लोग फायर करे जा रहे थे मेरे पे, पर मैं उनसे कैसे भी करके बच ही गया और आखिर यहाँ पे आ गया। चलो अच्छा हुआ बच गए तुम। एवलांच आ गए हम अपनी जगह पे। ये कौन सी जगह है? आइए तो पीछे। अब बताओ भी कौन सी जगह है ये? क्या दिखाना है इधर मुझे? ये वो जगह जहाँ पे मैं पोसाइडन से पहली बार मिला था, और पहली बार मिलते ही मेरा मन करा था कि उनकी पेटी बना दूँ। क्यों? क्योंकि उनकी कुछ बातें ऐसी थी जिन पे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्होंने मेरे से प्यार से बात करी और सब कुछ समझाया, तब जाके मुझे समझ में आई कि वो बुरे नहीं है। तुम्हारे लिए नहीं है पर मेरे लिए बहुत ही खराब दोस्त है, क्योंकि उसने मेरी एक टाइम पे पेटी ही बना दी थी। तुम माँ को मारने ही वाले थे तो पोसाइडन और क्या करते उस समय? जो उनको ठीक लगा उन्होंने उस समय किया। उन्होंने कोशिश भी करी थी तुम्हें बचाने की पर तुम नहीं माने। और हाँ ये भी बता दूँ, पोसाइडन तुम्हें आज तक अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं, चाहे तुमने कितने भी बुरे काम किए हो। ये सब उस तलवार की वजह से हो रहा है। उसके हाथ में आते ही मैंने वो काम स्टार्ट कर दिया जो मैं करना भी नहीं चाहता था। उस गलती को सुधारा जा सकता है पोसाइडन की हेल्प करके। उनको अपने बेस्ट फ्रेंड की जरूरत है आज। मैं उससे फाइट नहीं करने वाला, पर हाँ मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि उसको कैसे बचाना है। जो तुम्हारे पास तलवार है उससे पोसाइडन पे हमला करना पड़ेगा, वो भी पास से, तब जाके वो कहीं बच पाए। आपका शुक्रिया ये सब बताने के लिए। विंटर क्वीन चलो। वो साला भाग के इधर ही आया था, आखिर दुपक किधर गया ये? सालों ने अचानक से ही फायर कर दिया मेरे पे। इतने भी डर गया? अभी तो असली लड़ाई बाकी है। ये मेरी वाइफ को चोट पहुंचाने के लिए। चलो अब पोसाइडन को बचाया जाए। एवलांच तुम लोगों को मार नहीं पाया, किसी काम का नहीं है वो। खैर छोड़ो, अब इतनी अच्छी बॉडी मिली है तो इसका पूरा इस्तेमाल भी करूंगा तुम्हारी पेटी बनाने का। वो तो अभी पता चल ही जाएगा कि किसकी पेटी बनेगी। तो देरी किस बात की?
मुझे तो लगा तुम थोड़ी देर और टिकोगे, पर तुम लोग तो काफी कमजोर हो, इतनी जल्दी हार गए। अब बस तुम्हारी पेट ही बनाना रह गया है, वो भी कर लेता हूँ। इतनी भी जल्दी क्या है, अभी हम भी रह गए हैं, हमसे भी थोड़ी सी फाइट कर ले। जोकर, एवालांच ने कहा है हमें साथ में जाके अटैक करना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। हाँ मैं समझ गया, पर इनके पास पहुँचू कैसे अटैक करने के लिए? जोकर हम इसका ध्यान बटाते हैं, तुम तभी एकदम से अटैक कर देना पीछे से। हाँ मैं समझ गया। एवलांच ये ठीक तो है ना, इनको कुछ हुआ तो नहीं? ये ठीक है, वो इसके अंदर से जा चुका है, पर इनकी आदत थोड़ी दिन खराब रहेगी। अब आप लोग कहाँ जा रहे हो? मैं सोच रहा था अब हमारा काम पूरा हो ही गया है तो हम अपने अपने घर चले जाते हैं, अब यहाँ पे रुक के कोई फायदा नहीं, तुम लोग बाकी संभाल ही लोगे। जैसा आपको ठीक लगे। देखा जोकर, वो बंदा मेरी बॉडी में नहीं आया, उसे पता है ना मैं पावरफुल हूँ, उसकी कभी भी बैंड बजा सकता हूँ। ठीक है भाई, तू पावरफुल है, चल। जोकर, इनकी हालत अभी बहुत ही ज्यादा नाजुक है, तो इनको ठीक करने के लिए करे क्या? तुम एक काम करो, वेयरहाउस जाओ, वहाँ पर मैंने कुछ दवाइयाँ रखी हैं, तुम वहाँ से वो ले आओ, तब तक मैं इनका यहाँ पे ध्यान रख रही। हाँ ठीक है, मैं लेके आता हूँ। अरे अभी तो यही थे, अचानक से कहाँ गायब हो गए? एंजल तुम नीचे क्या कर रही हो? जोकर मैं थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर गई थी कि इतने में पोसाइडन गायब हो गए। क्या गायब, कैसे? ये मुझे भी नहीं पता जोकर। उनकी हालत तो बहुत खराब थी, वो चल भी नहीं पा रहे थे, तो आखिर उनको ले कौन गया?